हम भी अब यही है फाइनल कि कंबोडिया ना जाके भाई थाईलैंड वाला ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे लाओस से। We went, my wife and I, from England to India, okay, and then back. We also went from India to London. You did? Yeah. लगभग सारी सब्जियां ही 40,000 की आप देख सकते हो वेजिटेरियन में। अगर आप वॉशिंग प्लस आयनिंग मतलब प्रेस भी करवाओगे तो 40,000 की है। लाओस में 21,000 का 1 लीटर डीजल मिल रहा है, बताओ क्रेजी। खुद सोचो ना भाई, 11 लाख कैश में कौन लेके घूमेगा, अकाउंट ट्रांसफर ही करने पड़ते हैं यहाँ तो डीजल डलवाने के लिए। भाई 500 ml की मिल रही है हनीकेन 22,000 की, बताओ बियर भी। हेलो, की हाल चाल सभी के। एक और नया दिन लाओस में और हमेशा की तरह 38-39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इतनी तगड़ी धूप, जबकि फरवरी का महीना है सोचो भाई। लेकिन सोहन ने गाड़ी रेडी कर दिया भाई, अंदर से एसी वेसी चला के मस्त ठंडी हो गई होगी, टेंशन की बात नहीं। सबसे पहले तो भैया पेट पूजा करनी है, खाली पेट है, पेट भर जाएगा फिर घूमना शुरू करेंगे। और दूसरी चीज़, आज भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि लाओस ना कितना एक्सपेंसिव है एज अ टूरिस्ट। अगर आप आ रहे हो या यहाँ पे बिजनेस करने आ रहे हो, स्टूडेंट की तरह आ रहे हो, तो यहाँ पे किन किन चीज़ों में कितना कितना खर्चा हो सकता है। अब आपको पता ही है, हर कंट्री में मैं ये वाली वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, तो इस कंट्री की भी मतलब लाओस की भी ये वीडियो बनती है बिल्कुल, है ना। तो पहले जाते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ पे दिखाता हूँ कि इंडियन खाना कितने का है यहाँ एक्चुअल में, फिर उसके बाद चलेंगे, काफ़ी और चीज़ें दिखाऊंगा आपको। एंड भाई महिंद्रा का स्टोर जो है ना यहाँ पे, सर्विस सेंटर या फिर डीलरशिप, वो भी दिखाऊंगा कि स्कॉर्पियो यहाँ पे कितने की बिकती है लाओस में। करोड़ों में वैल्यू भी हो सकती है भाई, कुछ नहीं पता उसका, है ना। चलो जी, चलो लेट्स गो। ये जो हमारी भाई होटल वाली लेन है ना, इतनी बढ़िया जगह है ना, मतलब आपको क्या बताऊं, सब कुछ चीजें ऑलमोस्ट यहाँ पर ना मिल जाती है भाई, आसपास ही, बिल्कुल सिटी सेंटर है ये। इंडियन रेस्टोरेंट भी हार्डली 900 मीटर ही है। अब गाड़ी से हम इसलिए जा रहे हैं ताकि आगे आगे वहीं से ही घूमने निकल जाएंगे, एक दो प्लेसेस भी एक्सप्लोर करेंगे यहाँ वियतनाम की। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी आज है 21 फरवरी 2024। मैं हूँ अभी लाओस की कैपिटल वियतनाम में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा देश कवर करेंगे और 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। वैसे तो 11 से ज्यादा देश होने थे, बट अब वियतनाम कैंसिल हो चुका है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पूरा सीन, तो एक बार चेकआउट कर लेना वो, तो इसलिए अब 10 हो गया देश, समझ रहे हो। बाकी एपिक वाली रोड ट्रिप है, जैसे लंदन सीरीज को सपोर्ट दिखाया वैसी इस ट्रिप पे भी दया दृष्टि बनाए रखना। देख रहे हो भाई जा रही है लाओ थाई इंटरनेशनल बस, ये भाई आपको लाओ से थाईलैंड ले जाती है, मतलब आप वियतनाम से भी बस के थ्रू जो है लैंड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। तो अगर मान लो आप गाड़ी से नहीं भी आ रहे यहाँ, तो अपना फ्लाइट से आओ लाओस या थाईलैंड आओ, और थाईलैंड से आप लाओस आ सकते हो या लाओस से थाईलैंड जा सकते हो लैंड बॉर्डर क्रॉस करके ऐसी बसों में, तो अच्छा तरीका है ये भी। हम भी अब यही है फाइनल कि कंबोडिया ना जाके भाई थाईलैंड वाला ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे लाओस से, क्योंकि वो हिसाब से देखा जाए तो सही तो वही पड़ रहा है भाई। अगर कंबोडिया जा रहे हैं ना, तो कंबोडिया का बहुत घूम फिर के है वो रास्ता, तो बेटर है अपना थाईलैंड वाले क्रॉस करें। तो शायद से हम कल कर देंगे क्रॉस, या मैक्स टू मैक्स परसों क्रॉस कर जाएं, क्योंकि वियतनाम ये जो सिटी है यहाँ से बॉर्डर हार्डली 1.5 घंटे की ड्राइव है बस। तो मान लो सुबह हम 10-11 बजे निकल भी गए और 12-1 बजे तक बॉर्डर पहुँच जाएंगे, फिर अपना 2-3 घंटे वहाँ फॉर्मेलिटीज़ में लगते हैं, एंटर कर जाएंगे हम कहाँ पे, अपनी कंट्री नंबर कौन सी है कमेंट्स में बताना, थाईलैंड में। पार्किंग देखो, यहाँ भी लोगों ने भाई फुटपाथ पे ही चढ़ा रखी है गाड़ी, लेफ्ट साइड में पता नहीं क्या पंगा है। चलो ये राइट में तो फिर भी ठीक है, नॉर्मल है कि पार्किंग लगा दी, बट फुटपाथ पे कौन भाई, लोगों के चलने के लिए है ये, देखना सारी की सारी गाड़ियां लाइन से भाई फुटपाथ पे लगी हुई है, इतनी दिक्कत है क्या पार्किंग की भाई यहाँ पे, हद हो गई। गाड़ी में भाई डीजल भी खत्म पड़ा है, तो वहां भी जाएंगे। और लो भाई इंडियन रेस्टोरेंट आ गया है ढाका, मतलब है बांग्लादेशी रेस्टोरेंट और साथ में ही है लिटिल इंडिया। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर अच्छा खाना खाना है तो ये ढाका वाले में आना भाई, टेस्ट इनका ज्यादा बेटर है वहाँ से। पनीर ले लो, भिंडी ले लो, कुछ भी ले लो भाई, एक नंबर स्वाद, मजा आ जाता है। तो इसलिए हमने पहले दिन तो खाया लिटिल इंडिया से, लेकिन अगले दिन से सोहन को कोई हमारे इंडियन सब्सक्राइबर बता के गए कि ढाका में खाना, तो हम ढाका वाले में खा के आए। बताओ बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, लेकिन टेस्ट ज्यादा बेटर इंडियन खाने का, मजेदार है फिर तो, बढ़िया। देख रहे हो भाई अंग्रेज, हेलो भाई, गाड़ी देख के लोग रुक ही जाते हैं कि हाउ आर यू। वेरी वेल, वी वेंट माय वाइफ एंड आई फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, ओके, एंड देन बैक। वी आल्सो वेंट फ्रॉम इंडिया टू लंदन। यू डिड? या लास्ट ईयर 2023, यस, फ्रॉम ईरान टर्की, नो नो, वी शिफ्ट आवर कार फ्रॉम इंडिया टू ईरान, देन ईरान टर्की होल यूरोप एंड देन टू यूके। डिड यू? यस। So you are from London? Yes. So we went London, through Europe, East,
Romania, Hungary, Bulgaria, Turkey. Then we went Syria, Jordan, Lebanon. By car? Yeah, Land Rover. Okay. And then Iran. So you crossed English Channel by underwater tunnel or by ship? Ship. We crossed by underwater tunnel. It was 25 years ago. Yeah, okay. Okay. Wagha border. Go all the way here. Through Wagha border? What? Through Wagha border, right? Yes. From Amritsar. Yeah. And then from Chennai, straight up to Nepal. Actually, as an Indian, we are not allowed to enter Pakistan. Yes, I know. So that's why we shipped our car to Iran. So now this was 98, 99. So there were Pakistan was quite safe. Yes. You know, we met like Taliban people, but they weren't. Okay. They were not unfriendly. Okay. So you went through China. Yes. From Nepal, Tibet, China, and then to Laos. Chinese guys. Yes. The whole time. Whole time. Yes. It was so expensive. Really? How long will you take to get to Australia? I guess in April end, we will ship our car from Singapore to Australia. From Singapore. Yeah. Okay, and you can go from Laos, Thailand, Malaysia. Yes. Easy. Is that easy? Yes. Initially, our plan was to enter Vietnam. Yes. But our car is right-hand side driving, so they didn't allow. They are saying the UK, Australia and Indian cars are not allowed due to right side steering wheel. That's why. Yeah. And the car has been reliable? Yes. It's an Indian brand. Yes. Our Land Rover had some problems. Not many, but some. Yeah. So that's cool. Yeah. Thank you. And you went to London last year? In September 2023. Yeah. So we covered around. How long was this trip to take? Initially, it was around 4 months. But now it take around 5.5 months. Why delay? China. China. We planned 20 days in China, but we spent 40 days because China is so big. So ये भाई साहब भाई लंदन से थे और इन्होंने भी लंदन टू इंडिया की ट्रिप करी थी बाय रोड. ओपन है ना इंडिया लंदन टू इंडिया की ट्रिप करी थी. तो मैंने बताया लास्ट ईयर हम भी करके आए, तो पूछ रहे थे कहाँ कहाँ. ये तो एक्चुअल में पाकिस्तान बलूचिस्तान सब जगह कवर करा था, क्योंकि यूके का पासपोर्ट है तो पाकिस्तान में एंट्री मिल जाती है, बट एज अ इंडियन हमें एंट्री नहीं मिलती, आपको पता ही है. बट अच्छा लगा भाई ऐसी लोगों से मिलकर. और इन्होंने 1998 में की थी, सोचो उस टाइम पे भाई कारनेट क्या होता था. हम तो मतलब पैदा ही हुए थे, सोचो एक साल का था मैं जब, तो पता ही नहीं था कारनेट वगैरह का. और ये भाई साहब वर्ल्ड नाप रहे थे उस वक्त अपनी गाड़ी से लैंड रोवर. तो बढ़िया लगता है ऐसे लोगों से मिलके अलग अलग. बाकी गर्मी बहुत है भाई बाहर, हालत ख़राब हो गई 5 मिनट खड़े होने में. ये रेस्टोरेंट है, चलो जी ऑर्डर दे देते हैं. तो जी ये प्राइजेस देख लो. वेजिटेबल में आपके पास लगभग सारी सब्जी है भाई, आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू दम, ठीक है. भिंडी हमने कल खाई थी, बहुत टेस्टी थी. ये फ्राई मसाला, बैंगन भरता, दाल फ्राई, दाल तड़का, चना भी मिल रही है भाई, दाल कोरमा, पालक पनीर, पालक गोभी. लगभग सारी सब्जियाँ ही 40,000 की है, आप देख सकते हो वेजिटेरियन में. ये बस 45 की है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है. तो 40,000 यहाँ करेंसी का बताना भूल गया, यहाँ की करेंसी है भाई लाओशियन किप, KIP. तो इंडिया का 1 रुपये यहाँ पे आके बन जाते हैं 232 रुपीज़. गूगल चेक करोगे तो 250 दिखाएगा, बट आप जब बैंक से निकालोगे या कन्वर्ट करवाओगे तो आपको 232 ही मिलेंगे 1 रुपये इंडियन के यहाँ पे. नहीं बोतल दे दो बोतल. तो उस हिसाब से भाई मैं जितने भी प्राइजेस आपको बताऊंगा ना, 232 से डिवाइड कर लेना, आपको इंडियन करेंसी में प्राइस पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अभी 40,000 की कोई सब्जी है तो इसको डिवाइड करते हैं 232, तो सिंपल हो गया 172 रुपीज़ की सब्जी मिल रही है. जो कि भाई अगर आप देखोगे ना, इंडिया से बाहर जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं बहुत महंगे होते हैं, मतलब एक एक सब्जी 800-900 रुपये की मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको 200-250 रुपये के अंदर अंदर सब्जियाँ मिल जाती है. लाओस में, पूरे लाओस में ही कह रहा हूँ मैं, लुआंग प्रबांग में खाया था वहाँ भी इतने का ही था, यहाँ पे खा रहे यहाँ भी इतने का ही है. तो खाने के मामले में लाओस में कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया हो जाएगा सीन. इसके अलावा नॉन वेज डिशेज भी सारी है. चावल देख लो सिर्फ 16,000 किप के, मतलब कि 16,000 डिवाइडेड बाय 232, ये देखो 68 रुपीज़ के चावल की प्लेट मिल रही है आपको बासमती. और क्या चाहिए भाई, मतलब पूरे इंडिया वाली प्राइजेज है. जो इंडियन रेस्टोरेंट आपको इंडिया में मिलेंगे ना, उसी रेंज में आपको यहाँ पे खाना मिल जाएगा. तो खाने के मामले में हमें दिक्कत नहीं होती कुछ. बाकी रोटी की बात करें तो भाई ये देख लो, चपाती जो है वो 68 रुपीज़ की है, और जो बटर नान है वो भी 68 रुपीज़ का है. भाई बटर वाला थोड़ा महंगा है, 80 रुपये का, बट ये बड़ा बहुत है, इसमें पेट भर जाता है, ऐसी रोटियों में पेट नहीं भरता. और सब कुछ ही मिल जाएगा आपको, इडली, डोसा, सांभर, सब कुछ ये टू जारी है. देख लो भाई डोसा वगैरह 35,000 में. तो ओवरऑल खाने में कोई परेशानी नहीं है. बहुत बड़ा है ना ऑस्ट्रेलिया. चाइना भी 8,000 था पूरा. आप कहाँ से थे? यूपी से. यूपी बनारस से. चलो ठीक है भैया, ओके, बढ़िया लगा. पेट पूजा हो गई है, खाना वाना खा लिया. अभी जाते हैं पहले लॉन्ड्री के लिए कपड़े देने. भाई कपड़े गंदे पड़े हैं, शर्ट पहन पहन के घूमना पड़ रहा है गर्मी में भी, तो कपड़े धुलवा लेते ताकि कल दोपहर तक मिल जाए. तो अब परसों ही जा पाएंगे भाई थाईलैंड, कल तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि कपड़े नहीं मिलने अपने. उन्होंने बताया इसी रोड पे आगे जाके है लॉन्ड्री कहीं पे, तो दे देते हैं भाई बस.
अपना काम हो जाएगा, फिर घूमने निकलेंगे आगे। भाई साहब बहुत इंडियंस हैं यहाँ, भर भर के इंडियंस हैं, क्या बताऊँ बस आपको। इतने लोग आए हुए हैं ना घूमने, कोई जॉब के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, बट दिखते रहेंगे आपको इंडियंस इस सिटी में। लुआंग प्रवांग वगैरह में नहीं दिखते थे इतने, यहाँ बहुत दिखते हैं। उन्होंने बोला था ये लंदन बार बार करके है, इसी के आसपास कहीं पे है लॉन्ड्री, हाँ चाहिए थोड़ी सामने है। चलो यहीं यहाँ लगा देता हूँ 2 मिनट और इनको दे आते जाके। बाल भी कटवाने हैं वैसे तो मेरे को भाई आज, पर अभी दिन में नहीं, रात में कटवाऊंगा ताकि जाके नहा पाऊँ। अभी अगर कटवाए और नहाने चला गया तो फिर भाई पूरा दिन तो वेस्ट ही हो जाएगा, घूम नहीं पाएंगे। कपड़े भी भाई काफ़ी सारे हुए पड़े गंदे, एक बैग तो ये पूरा का पूरा भर रखा है हमने गंदे कपड़ों से, और आगे भी है। कहाँ है वो कपड़े जो लाए थे अभी, आगे तो बहुत कपड़े हैं भाई, देखते हैं यहाँ पे। 1 kg का इन्होंने लिखा हुआ भाई 20,000 किप, ठीक है मतलब 20,000 किप 1 kg। ये भी दो है, ये देखो भाई सब कपड़े धुलवाने हैं। इसमें से कौन सा बैग है देखना खोल के, एक में ही डाल दो ना अभी ये सारे, इनको बैग ही दे दो सीधा, निकाल लो कपड़े ये सारे। तो देखो भाई ये सारे कपड़े हैं जो मैले पड़े हैं अपने धुलवाने वाले, ये सोहन के भी है, निकाल के इसी में डाल देते हैं। चलो ले ही चलो यार ऐसी वहाँ दे देना। लो जी लो दे देते हैं, तुलवा लेते हैं कितना किलो है उस हिसाब से फिर, और गिन भी लेंगे यूनिट कितने हैं। नो यू कैन टेक बैग, पर गिन लो एक बार निकाल के, लेट अस काउंट फर्स्ट, गिन लो टोटल, टोटल गिन लेना बस कितने हैं बस। क्योंकि कभी कभी ना जब पिक करने आते हैं उस टाइम पे एक दो कपड़े यहाँ रह जाते हैं, अगर आप तुलवा के ले जाओगे तो वो वेट मैच हो जाएगा, क्योंकि अभी मुछड़े मुछड़े से है, उस टाइम पे प्लेन होंगे तो पता नहीं चलता। इसमें डालते जाओ गिन गिन के, एक ऐसे यहाँ गिन गिन के डालना। चलो भाई सबसे बेस्ट है काउंटिंग करके जाओ, और काउंटिंग करके ही लेकर जाओ अपना। और 20,000 का मतलब हो गया 232 86 रुपीज़ kg, पर ये नहीं पता ये खाली धो के देंगे या प्रेस भी करेंगे। अच्छा ये है भाई देखो, वॉश ओनली है खाली 20,000, अगर आप वॉशिंग प्लस आयनिंग मतलब प्रेस भी करवाओगे तो 40,000 किप है, मतलब 150-160 रुपये वॉश प्लस ड्राई एक्सपेंस। ये तो अलग है, सेम डे लेना चाहो, शूज़ का ये है, बैग का ये है, तो हमें सेम डे तो नहीं चाहिए, वॉश प्लस आयरन करवाते हैं। एक्सक्यूज मी दिस वॉश प्लस आयरन, ओके आयरन ऑल्सो यस, क्योंकि भाई फिर कौन ही आयरन करेगा, कल सीधा कपड़े मिलेंगे बैग में ऐसे कैसे फिट करके थाईलैंड निकल जाएंगे परसों अपना। सेम टाइम टुमारो, ओके इसी टाइम देना भाई, मतलब वही दोपहर को 2:30-3 बजे। लेट्स गो भाई चलते हैं, अब थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं VN10 को। टोटल भाई 20 कपड़े हैं, और वेट की बात करें तो 6.5 किलो भाई साहब, 40,000 इंटू 6.5 मतलब कितने हो गए 2,60,000। देख रहे हो भाई कपड़े धोने और प्रेस करने के 2,60,000 लग रहे हैं अलाउस में, इंडिया के मोटा मोटा 1,000 रुपये हो गए 6.5 किलो के, यूरोप से तो काफी सस्ता है। चलो जी ये पर्ची ले लिए, ओके बाय, पेमेंट कल करेंगे भाई हम। और ये भाई अपने गुजरात से, ओके क्या नाम था आपका, हार्दिक पटेल, हार्दिक पांडे नहीं, नहीं। सही है चलो ओके जी बाय बाय। मैंने कहा था ना इंडियंस बहुत है भाई यहाँ पे, मतलब सब्सक्राइबर ही थे भाई भी अपने, ऐसी बहुत सब्सक्राइबर्स मिले हैं लाओस में। चलो जी चलो अब तो कपड़े धुल रहे हैं, खुशी खुशी ओए ओए, मजेदार भाई, साफ सुथरे चमकते हुए प्रेस वाले कपड़े पहनेंगे। अबे भाई अब इसको क्या हो गया गाड़ी को, ये क्या हो गया भाई फिर से है, देखना ये ना ये स्क्रीन चल रही है, अच्छा ये तो चल गई, ओ चल गई भाई, मेरी हालत टाइट हो गई थी, क्या हो गया ये, क्या आ गया भाई हिल होल्ड का, एक बार फिर से बंद करना पड़ेगा। ये देखो भाई येलो कलर की वार्निंग आ गई है, बंद करते हैं वापस, अब देखते हैं अब फिर आ गई, चलो शुक्र है भाई साहब। येलो लाइट देख के ना टेंशन सी हो जाती है, 2-3 दिन वेस्ट करे हमने लुआंग प्रोमांग में इसी चक्कर में, जो वो DF वाला हो गया था, अब नहीं होना चाहिए खराब कुछ। होटल के जस्ट पास में ये रोड के बीचों बीच आप देख रहे हो, ये यहाँ का भाई पगोडा या फिर एक तरह से टेंपल ही है समझ लो, तो यहाँ पे भी काफी लोग आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है ये देखो, टूरिस्ट वगैरह फोटो फोटो खींच रहे हैं। नाम था इसका कुछ मतलब पगोडा ही कहते हैं, पर वैसे नाम था आगे की तरफ कुछ। अभी फिलहाल जा रहे हैं डीजल भरवाने के लिए भाई, क्योंकि गड्डी में बिल्कुल ही रेंज खत्म हो चुकी है। तो जिलो ये आ गया है फ्यूल स्टेशन, हमें डलवाना है डीजल, आपको प्राइस तो मैं दोनों के बता दूंगा, पेट्रोल के भी और उसके भी। गाड़ी के लिए कहाँ जाए लेकिन वो एंड में लेंज है, काफी हद तक ना सिमिलैरिटी है भाई यहाँ पे इंडिया के और इधर के फ्यूल स्टेशन में, मतलब स्कूटर के लिए अलग लाइन लगा देते हैं, गाड़ियों के लिए अलग। तो हम चलते हैं भाई ये फॉर्चूनर के पीछे, क्योंकि ये भी डीजल ही डलवा रही होगी, पेट्रोल तो यहाँ क्या ही बिकती होगी, फॉर्चूनर इंडिया में ही नहीं खरीदता कोई पेट्रोल वाली, तो काफी लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि पेट्रोल में भी आती है, लेकिन बेस वेरियंट है भाई फॉर्चूनर का जिसमें पेट्रोल इंजन आता है, ज्यादातर लोग तो डीजल ही खरीदते हैं, इन्हें बोल दो डीजल कहीं पेट्रोल डाल दे, क्योंकि पेट्रोल डल गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। डीजल डालना डीजल हो गया। लिखा है ना, हाँ ये देखो भाई सुपर भी है, रेगुलर भी है पेट्रोल और डीजल भी है इनके पास, डीजल यस डीजल
फुल टैंक भाई, डीजल लिया ना ब्लैक वाला ये पक्का। हाँ हाँ, वैसे वो मेरे ख्याल पेट्रोल होगा, ये सुपर वाला होगा और ये डीजल लिया। फिर तो रेट देख लो भाई, 21,160 का एक लीटर। मोटा मोटा भाई 100 रुपए ही हो गए एवरेज लगाओगे, 100 से 1-2 रुपए कम, 95-96 रुपीज का डीजल। बट यहाँ की करेंसी में देखोगे तो भाई लाओस में 21,000 का एक लीटर डीजल मिल रहा है, बताओ क्रेजी। चलो भाई के इसमें चैनल भी सब्सक्राइब कर देते हैं भाई। अरे इंग्लिश ये तो हाँ इंडियन लिखते भाई आ जाता ऊपर। ये देखो बैकपैकर दिस, अब नहीं आएगा तो आएगा। सही बात है, 3 मिलियन होने वाले, अब तो आएगा ही। आज जो डेट है ना उसके हिसाब से 4,000 सब्सक्राइबर रह गए 3 मिलियन होने में, तो मुझे लग रहा है 2-3 दिन के अंदर अंदर अपने चैनल पे 3 मिलियन। थैंक यू सो मच। चलो जी चलो। ओ भाई साहब ये तो मीटर बढ़ता ही जा रहा है भाई, क्रेजी। 9 लाख रुपए तो हो ही गए। चलो जी चलो, ऑटो कट तो लग गया है, अभी थोड़ा बहुत और भर के राउंड ऑफ कर देंगे, फिर आपको एक बार मैं दिखाता हूँ भाई कितने लाख का जो है डीजल डला है भाई गाड़ी में अपनी। व्हाट्स योर नेम? टिया। ओके ये देख लो भाई, 54 लीटर आया है, 11,50,000 का डीजल भाई, क्रेजी लेवल का महंगाई। मजाक में बोल रहा हूँ, 11 लाख इंडिया के लगभग 5,400 रुपए के आसपास। स्कैनर कैश तो भाई खत्म हो गया सारा का सारा, तो अब स्कैन ही करना पड़ेगा लोका से। खुद सोचो ना भाई, 11 लाख कैश में कौन लेके घूमेगा, अकाउंट ट्रांसफर ही करने पड़ते हैं यहाँ तो डीजल डलवाने के लिए। या डन, लेट्स गो भाई, पेमेंट हो गई है भाई साहब। यहाँ के फ्यूल स्टेशन में भी देखो इलेक्ट्रिक चार्जर्स लगे हुए हर जगह, चाइना की तरह ही ना, मतलब यहाँ हर जगह तो नहीं है इतना भी, चाइना में तो भाई एक एक दो दो किलोमीटर की दूरी पे ही थे मस्त एकदम। तो उन्होंने तो अपना ईवी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है, यहाँ पे भी दिख रहा है थोड़ा ठीक है। इंडिया में पता नहीं कब भाई चार्जर्स वगैरह हर जगह पे आएंगे। आप ये जो राइट में बिल्डिंग देख रहे हो ना, यहाँ देखो लिखा भी हुआ है पैलेसी प्रेजिडेंशियल, मतलब कि ये प्रेजिडेंट का घर है यहाँ के, यहाँ पे ही प्रेजिडेंट रहते हैं। और अभी फिलहाल ये रेनोवेट हो रहा है, यहाँ पे रेनोवेशन प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए बंद कर रखा है। वैसे आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है भाई इनका पैलेस, देख रहे हो भाई साहब क्या मतलब आलीशान सा वो बना रखा है पूरा महल टाइप का। बट वही अभी बंद कर दिया इन्होंने यहाँ से रेनोवेशन के चक्कर में, यहाँ भी आप आ सकते हो घूमने। अब इसके बाद है यहाँ का फेमस विक्ट्री म्यूजियम कह रहा हूँ, विक्ट्री गेट। नाम की बात करें तो पाटुक से है विक्ट्री मॉन्यूमेंट, जैसे अपने इंडिया में दिल्ली का इंडिया गेट या मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है ना, उसी टाइप का कुछ है ये। तो वो देखो भाई बिल्कुल रोड के सामने आपको दिख रहा होगा, डिट्टो ऐसे इंडिया गेट ही लग रहा है, बस ऊपर से स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है। ये सामने आ गया है विक्ट्री मॉन्यूमेंट, अभी देखते हैं गाड़ी लगाने का जुगाड़, अगर यहीं कहीं राइट में लग जाएगी तो खड़ी करते हैं और थोड़ा उतर के फोटो वोटो लेते हैं भाई अच्छे से। पर मेरे हिसाब से यहाँ अलाउड नहीं होगा भाई गाड़ी लगाना ओपन में, ये भाई सब लगा तो रहे, अगर इन्होंने लगाई तो यहीं लगा देंगे, नहीं है अलाउड। अंदर जा सकते, गाड़ी तो लगानी पड़ेगी चचा, है कहाँ। चलो देखते हैं भाई, पार्किंग ढूंढते हैं फिर चलेंगे अंदर, क्योंकि इसमें ना भाई रास्ता है, आप ऊपर तक जा सकते हो वहाँ, और वहाँ से टॉप से आप देख सकते हो वीएनटीएन सिटी को पूरे। तो देखते हैं टिकट विकेट कितने की है, बंद ना हो गया हो बस, लेट्स गो भाई जल्दी जल्दी, जगह दो पी 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 पी, हट जो जल्दी वहाँ से हटो। चलो भाई यहीं पार कर दिया साइड में, अब देखा जाएगा क्योंकि पीछे देखोगे ना लोगों ने खड़ी कर रखी है वो देखो, तो हमारा भी क्या ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा है, चलान ले लेंगे सोहन, इतना अमीर पार्टी इतनी जमीनें बेच के आए इंडिया से, भर देगा चलान, क्या फर्क पड़ता है, सही बात है कि नहीं। जमीनें बेच के कौन है, जमीनें बेच के बिना जमीनें बेचे आया मैं तो। पक्का कह रहा भाई, बिना जमीनें बेचे देख लो कितना पैसा लड़के के पास, जमीन भी नहीं बेचनी पड़ी तब भी आ गया 60-70 करोड़ रुपए लेके। आए आए शर्मा गया, चले लेट्स गो प्रावा लेट्स गो। ये देखो जी सामने है हमारे मॉन्यूमेंट, अभी पीछे सूरज आ रहा अच्छे दिख नहीं रहा होगा, तो ये बड़ा सा पार्क बना रखा है सेंटर टाइप का, वहां चलते हैं, गाड़ी लगा दी है एथे अपन ने। देख लो जी देख लो, अब देखो कितना ह्यूज है भाई साहब, है सामने रोड से तो नहीं पता चल रहा था लेकिन ऐसे देखने में ओए होए होए क्रेजी, कहते हैं ना क्रेजी, बिल्कुल वो है क्रेजी। और इधर देखो भाई ये पूरा इन्होंने ऐसे ग्रीन एरिया टाइप का बना रखा है, यहाँ पे लोग खड़े होके फोटो वोटो खींच रहे हैं,
और आपको गाइड वगैरह भी मिल जाएंगे यहाँ पे, कुछ समझना हो पर हमें गाइड की जरूरत नहीं है, हम खुद ही गाइड है एक। सही बात है। सबसे पहले तो भाई अंदर जाके एक बार टिकट का ही पता कर लेते हैं कितने की है क्या है, कहीं बंद ना हो जाए ना, फिर बाहर तो हम बाद में भी मटक सकते हैं। मैं ना ऊपर जाके देखने वाला, यहाँ फोटोग्राफर भी काफी सारे मिल जाएंगे आपको, फोटो वोटो खिंचवानी हो खिंचवा सकते हो अच्छे से। ओ भाई अंदर देखो कितना मस्त है, ऐसे देखो अलग अलग गॉड गॉडेसेस की जो है वो कार्विंग करके वो बना रखे छत पे, एंड गोल्डन कलर मस्त लग रहा है यार बड़ा ये तो अंदर से, है ना। टिकट कहाँ मिलेगी? टिकट का तो दिख नहीं रहा मुझे कहीं भी। फ्री है क्या जाना ऊपर शायद से, पूछते हैं एक बार। अच्छा नहीं, ये रहा भाई टिकट है। हेलो, 2 टिकट। हाँ देख सकते हो, लोकल लोगों के लिए 5,000 है, फॉरेनर्स के लिए 30,000 है। दे दो भाई 60,000 दे दो, 2 लोगों का। चलो शुक्र है भाई खुला हुआ है। ऊपर जाके आपको नज़ारे दिखाता हूँ कैसे दिखेंगे। ये मिल गया जी टिकट अपनी, लाउ टैक्स लिखा है। यहाँ से जाना है जी हमें ऊपर। में लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियों से ही चढ़ के आना पड़ा। 3 मंजिल हम ऊपर चढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो इसकी थोड़ी स्टोरी वगैरह लिखी है। 1957 में जो है वो कंस्ट्रक्शन इसका फेज़ 1 स्टार्ट हुआ था। उसके बाद भाई अब देख सकते हो 57 में फेज़ 2, 1960s में जो है वो स्टॉप कर दिया गया था टेम्परेरीली, क्योंकि जो जनरल थे उस टाइम के वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे बिल्डिंग। फिर 1966 में विंटिन में फ्लड मतलब कि बाढ़ आई थी काफ़ी। 68 में जाकर जो है ये मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। उस टाइम पे देखो ऐसा लगता था लाओस भाई, सॉरी लाओस नहीं विंटिन। फिर 1993 में जो है वो इसका नाम चेंज करके विक्ट्री मॉन्यूमेंट से ये रखा था, जो मैंने आपको बताया ना पाटूक से। फिर 1993 में जो है इसके फाउंटेन्स वगैरह को, लाइटिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया और रात को कुछ इस तरह का लुक आता है, मैं दिखाऊंगा। हम रुकेंगे अभी यहाँ रात तक। 2008 में एक ये वर्ल्ड पीस गोंग भी हुआ था, तो ये लगाया गया था यहाँ पे। हर कंट्री के देखो फ्लैग लगे हुए, इंडियन दिख रहा है अपना, ये रहा भाई इंडिया का भी फ्लैग। तो ये थी पूरी स्टोरी इस विक्ट्री मॉन्यूमेंट की। इंडिया का नहीं है ना, नहीं है भाई, मेरे को लगा बीच में अशोक चक्र है, बट ये तो कुछ और ही निशान है, या तो ये होगा भाई, दिख नहीं रहा, छोटे छोटे है ना काफी, पता नहीं। और यहाँ पे भाई मीनिंग भी लिखा हुआ है, ये जो पटुक से है ना इसका क्या नाम मतलब है, आप पोज करके पढ़ सकते हो भाई पूरा का पूरा। एक्चुअल में लाओस पे ना बहुत साल पहले फ्रेंच का रूल था, तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा वैसा आर्किटेक्चर वगैरह देखने को मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा, और वहाँ का कुजीन वगैरह भी बहुत बिकता है यहाँ पे। ये आ गए भाई हम एक फ्लोर और ऊपर, भाई साहब देखना कितना ग्रैंड लुक है ऊपर, देखो सीलिंग वगैरह। यहाँ तो भाई फंक्शन वंक्शन हो सकते हैं अच्छे खासे। गर्मी बहुत है भाई, ना तो पंखे लगा रखे ना कूलर है ना एसी है, ऐसी छोड़ रखा खाली। भीड़ तो बहुत हो रही है यहाँ पे देखो। एंड ये भाई सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर के लिए फाइनल। चलो जी ऊपर चलते हैं। मेन तो 60,000 खर्च के हम ऊपर ही देखने आए हैं ना, फायदा क्या वरना। ये चीज़ अच्छी है इन्होंने लिख दी है, नो ड्रॉइंग एंड राइटिंग ऑन दी वॉल, वरना लोग जो है दीवार पे अपने आशिकों का नाम लिख जाते हैं, जैसे ये भाई साहब है, समझ रहे हो, गंदी चीज है। नहीं लिखा तुम बता के थोड़ी लिखोगे, तो जमीन लिखवाऊंगा ये, ऐसे दाम थोड़ी लिखूंगा। क्या बात है, वेल डन। देखो जी ये है, इसके टॉप पे आ गए हैं। एक तो ये बना हुआ टेंपल टाइप का, एक ये बिल्डिंग बनी हुई है भाई बड़ी सी, एक वहाँ बना हुआ है वो रहा भाई, और इधर से दिखती है पूरी सिटी। मतलब इतना भी कुछ ऊंचा नहीं है कि आपको बहुत तगड़ा कुछ दिखेगा। ये देखो वो खड़ी है भाई अपनी उधर, माफिया स्कॉर्पियो एन, देख रहे हो भाई इस तरह से। तो चलो यहाँ थोड़ी देर लगाते हैं भाई अच्छे से, और आप टाइम लैप्स इंजॉय करो। क्या कह रहे हो भाई, सेंटर में लगा है पक्की बात, ये सेंटर है। हाँ ये सेंटर है, चलो यहाँ लगाते हैं एक बार, मैं सेट कर दूँ अच्छे से। चलो जी इंजॉय करो, 3 2 1 गो। जी तो कैसे लगे भाई हमारे आर्टिफिशियल ड्रोन शॉट? अभी पता चला कि इससे ऊपर भी जा सकते हैं, रास्ता अंदर से है, तो आ जाओ थोड़ा और ऊपर चलते हैं, फिर क्या पता और अच्छे से देखने को मिले हमें सिटी। लेट्स गो, आओ पीछे पीछे दौड़ के। ओ भाई साहब ये मंजिल तो है ही, अभी इससे भी ऊपर मंजिल है। ये देखो भाई यहाँ से तो व्यू है ही, और ये गोल सी सीढ़ी है इन्होंने और ऊपर लगा दी, एंड यहाँ पे छोटा सा टेम्पल टाइप का भी बना रखा है देखो। चलो पहले यहाँ से नजारे दिखाऊंगा आपको। ओए ये लग रहा है ना मस्त व्यू भाई, देखना पूरी मस्त वीएनटेन सिटी दिख रही है ऐसे गजब की एकदम। और वापस से अपनी माफिया स्कॉर्पियन भी देख लो, वो खड़ी हुई है भाई सेफ साउंड। ये फ्रेम देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है ना। एंड वहाँ कहीं सामने जो है वो प्रेसिडेंट का घर है, पर वो दिख नहीं पा रहा बिल्डिंग्स की वजह से। और अभी मैं आपको रात को नीचे दिखाऊंगा ना, जब ये पूरा जगमगा जाएगा लाइट से, तो वो लाइटें पड़ती है भाई इस तरह के पैनल लगा रखे,
ये थ्रो मारती है इन पे बिल्डिंग पे, जिससे कि ये पूरा लेटअप होता है। अभी होने दो अंधेरा, फिर दिखाऊंगा अच्छे से। तो काफी जगह लाइटें लगी हुई है, ये लगी हुई है, वो लगी हुई है, बहुत सारी है भाई। चलो ऊपर चलना है। चलो भाई अब पैसे दिए है तो लास्ट वाली फ्लोर पे भी चलते है और देखते है कैसा नजारा है वहां से। अबे ये तो ऊपर आगे बंद हो गया भाई, यहाँ तो कुछ नहीं है। और 7th फ्लोर है ये, मतलब 7 मंजिल ऊपर आ चुके हैं हम सीढ़ियां चढ़ के। पर ये पूरा कमरा सा बना हुआ है ऐसे, यहाँ पे कुछ है नहीं भाई। ये है नजारा, देख सकते हो बस ये जाली वाली खिड़की में से, ये देखो इस तरह से, यही है बस। चलो भाई चलो, पोपट हो गया, नीचे चलते हैं। अब ये है भाई वो फाउंटेन जहाँ पे पानी और लाइट शो होगा, तो इसका वेट करेंगे होने का, फिर ही निकलेंगे यहाँ से भाई। अच्छा नीचे से भी देखोगे ना तो भाई यहाँ भी देखो कार्विंग कर करके भाई साहब गॉड गॉडेसेस की जो है वो स्ट्रक्चर स्टैचूज बना रखे अंदर। भाई मजे से फुहारे के पास खड़ा हुआ था, अचानक से पिचकारी आई इतनी बड़ी, ये देखो सारे कपड़े भिगा दिए। चलो गर्मी है, सूख जाएगा जल्दी से, और मुझे लगा नहीं था इतनी बाहर तक पानी फेंक देगा। और इससे पहले की जो क्लिप रिकॉर्ड करी थी उसमें आवाज़ आई नहीं ढंग से, तो मैं यही दिखा रहा था कि फुहारा स्टार्ट हो चुका है। एक बार अंधेरा होने देते अच्छे से, फिर दिखाऊंगा ठीक है जी। तो 3, 2, 1, ये देखो भाई पीछे इसकी तो लाइट जल चुकी है भाई साहब, लग रहा ना मस्त ऐसे येल्लो सी लाइट मारी हुई है पूरी बिल्डिंग के ऊपर। एंड वो देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है ये पूरा एरिया, ओए होए होए गजब भाई। एंड साथ ही साथ भाई फाउंटेन्स की भी लाइट जो है वो चालू हो गई है। और भाई ये जो नोजल वोजल लगे हुए हैं ना पानी के, इतने मस्त मस्त ऐसे इफेक्ट दे रहे हैं। अभी देखना थोड़ी देर मैं चलने देता हूँ, म्यूजिक के साथ आप इंजॉय करो। ये देखो जी, चलो मस्त वाटर शो भी देख लिया है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है बाहर भाई। ये देखो दिख रही है बिल्कुल हल्की हल्की सी है। गाड़ी में तो भाई आग मच गई है, इतना ज्यादा भपका सा पड़ रहा है अंदर। फोन करते दो भाई, चाबी दो, क्यों मार रहे हो गर्मी में ओ भाई साहब। हेलो, अभी आया भाई हम एक सुपर मार्केट के बाहर, आपको थोड़े प्राइजेस दिखा दूं यहाँ पे नॉर्मल चीज हो गए, राशन पानी का क्या रेट है। स्टोर है भाई ये, इसका नाम है जिराफ करके, देखो वो लिखा हुआ जिराफी सुपर मार्केट। चलो अंदर चलते हैं और रेट देखते हैं भाई साहब। बड़ा ही है स्टोर तो यार, सब कुछ ही है ऑलमोस्ट यहाँ पे। देखो पेप्सी वेप्सी तो यहीं से शुरू करते हैं कैन से भाई। यार इन्होंने प्राइजेस नहीं लिखे हुए, अब एक एक के वही बात है फिर पूछने वाली। जैसे ये तो लिखा है, चलो भाई कार्ल्सबर्ग का ही है शायद से, ये 330 ml का 13,500, 232 से डिवाइड कर लेना। बाकी ये देखोगे भाई 290 ml और 250 ml, ये 9,000 की है, ये 9,500 की है। पेप्सी भी बताओ, कोक मिल रही है 9,500 की। तो यहाँ पे हुए पानी की बात करें तो भाई ये 1.5 लीटर वाली है 5,500 की, बहुत सस्ती है ना, यहाँ तो सबसे सस्ती मिली अभी तक हमें सबसे, वरना अभी तक हमने 6,000 की ली है कम से कम, उससे कम नहीं मिली कहीं यहाँ 5,500 की। किटकैट देख लो भाई 19,000 की मिल रही है। डेयरी मिल्क ये रोस्टेड आलमंड्स है 24,000 भाई, 500 ml की मिल रही है। हैनीकेन 22,000 की बताओ। बियर भी इंडिया के तो 100 रुपए से भी कम पड़ा ना, और इंडिया में कितने का बताना। जूस में भाई यहाँ ट्रॉपिकाना या रियल फ्रूट तो नहीं है, ये सारे ब्रांड है माली करके, और इसका 1 लीटर का है 41,000 का। इंडिया में ये शायद 120-130 रुपए का आता है। न्यूटेला का डब्बा मिल रहा है भाई 1,12,000 का, वो भाई साहब। और ये छोटे वाला 200 ग्राम, ये है 78,000, कितना महंगा है भाई। यहाँ तो सब कुछ लाखों में बात हो रही है ऐसे, मतलब उससे नीचे तो कोई बोल ही नहीं रहा। बाकी यहाँ पे भाई ये कुकिंग ऑयल वगैरह सोए सॉस हो गई, ये सब इनके प्राइस आप पढ़ते रहो 1,12,000 वगैरह ऐसी है। एक यार बड़ा ना हैंड वॉश का पंप वाला ले चलते हैं, होटलों में यहाँ पे साबुन की टिकिया दे देते हैं जरा जरा सी, तो होना चाहिए हैंड वॉश है ना। दिख रहा है पंप वाला कहीं पे, यहाँ पे तो नहीं है भाई, हैंड वॉश ही है ना ये तो, कुछ कुछ लिखा है भाई पता ही नहीं चल रहा। सब कुछ ही है भाई यहाँ पे तो, साबुन अपना टिश्यू पेपर और टूथब्रश वगैरह। इंडियन आइटम्स नहीं है लेकिन ना रेडी टू ईट मिल रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ चाइनीज या फिर कोरियन ही है। इस तरह का देखो बड़े बड़े ये भी मिल रहे हैं क्रेट, मतलब 6 वाला, और हमें लेनी है भाई यहाँ से डिस्पोजेबल प्लेटें। ये रीस ओवन देखा पहले मैंने ही ढूंढ लिया, ये ले लेते हैं, ये वाला साइज सही है ना यार। ये तो भारी वाला है, हल्का लो, ये लो, ये ले लो, हाँ ऐसे 2-3 ले लो पैकेट, 2 ले लो कम से कम, क्योंकि रोज रोज फिर प्लेटेड होना प्लास्टिक वाली दिक्कत होती है, उससे अच्छा डिस्पोजेबल है, खाओ और अपना फेंक दो खा के, बहुत है। 3 हैंड वॉश हो ढूंढो कहा है, अरे होगा ही कहीं ढूंढ, थोड़ी मेहनत कर लो भाई, हर चीज पूछ के लोगे क्या है भाई। ओए एक्सटेंशन वगैरह भी मिल रहे हैं भाई, देख लो 2 लाख का है ये एक्सटेंशन। और तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे भाई आपको दिखाने लायक, क्योंकि वो चीज़ जो चीज़ इंडिया में नहीं अवेलेबल, हाँ किसी के छोटे बच्चे हो तो निप्पल लेने हो भाई वो भी मिल जाएंगे यहाँ पे 66,000 के। टाइम पे पास मत करो तुम ना, हैंड वॉश ढूंढो, ये हैंड वॉश है, हैंड वॉश नहीं है, फिर हैंड वॉश ढूंढो, हैंड वॉश ढूंढो, हैंड वॉश, टाइम पास नहीं। मुझे तो यही लग रहा है हैंड वॉश, देखना ये, अब ये पता नहीं क्या है, कहीं वो ना हो कपड़े धोने का।
हाँ कपड़े वाले ही है, लिखा भी था अपने वहाँ पे भाई ऑल आउट और गुड नाइट मिलती है। यहाँ क्या मिल रहा है, बैंगन, ये देखो बैंगन की मिल रही है, ये एक ले लेते हैं। कभी कभी होटलों में बहुत मच्छर होते हैं तो दिमाग खा जाते हैं। चावल देखना भाई कैसे ये डली बनी हुई मिल रही है, इसकी जमा के दे रखे है चावल 35,000 का। ये आटा मिल रहा है भाई ग्लूटिनस करके कुछ पता नहीं, 18,000 का। ये शुगर मिल रही है पिसी हुई, सब कुछ इम्पोर्ट हो रखा है थाईलैंड से। मैक्रोनी वगैरह भी मिल रही है सारी, ये देखो भाई, ये देखो ये देखो ये देखो बहुत सारी है। चाइना से ज्यादा वैरायटी तो मेरे को लाओस में मिल रही है, लेने लायक चीजें वहाँ पे नहीं थी इतनी। हैंड वॉश ही नहीं मिल के दे रहा, ये सब चीजें तो ले लिया भाई, बस हैंड वॉश पूछ के बिल करवा लेंगे फटाफट से। हैंड वॉश हाथ करके दिखाओ, यस यस हाँ प्यारी समझ गई है। मीम चला रहे हो यहाँ पे मीम भाई, दारू वारू भी मिल रही है यहाँ तो सुपर मार्केट में ही, देख लो मुझे तो पता नहीं कौन कौन से ब्रांड है क्या क्या चीज़ें हैं, रेट को मार लो स्क्रीनशॉट। ले आओ ले आओ, हैनिकेन की पेटियाँ भी मिल रही है पूरी। ओ ये मिल गया भाई, पाव भी है यहाँ पे, ब्रेड भी है, ये देख लो कितने की है, 25,000, ये है 32,000। और भी काफ़ी वेराइटीज़ है, ये सारा मतलब फ्रेश वो है मटीरियल, केक्स वगैरह मिक्स फ्रूट। अरे वो मिल रहे हैं नमक पारे यहाँ पे भी, डिटॉल मिला, डिटॉल मिल गया, वाह चलो। पिंक वाला लिया तुमने तो, कौन सा लेना, ग्रीन लो, ग्रीन ग्रीन वाला अच्छा होता है, नीम नहीं है, चलो कोई नहीं ले लो, ये ब्लू कौन सा आज देखते हैं थोड़ा, वही ले, हाँ ये ले लो, इसके ना ढक्कन भी है, लीक नहीं होएगा रास्ते में, दबेगा नहीं, ले लो फटाफट, वो भी तो सेम है। अरे नहीं बच्चे नहीं, चलो चलो टाइम पास मत करो, किसी का टाइम वेस्ट मत करा करो। ओ परफ्यूम्स भी है भाई, ये मेरे ख्याल से सैंपल के लिए होगा, मतलब आप छिड़क के देख सकते हो कैसा है। गार्नियर निविया वगैरह ये सब भी मिल रहे हैं यहाँ तो यार, एक्चुअल में वैरायटी तो है तगड़ी, कोई मतलब ऐसे डाउट वाली बात नहीं है। चलो जी चलो बिल करवाते हैं, देखते हैं कितने लाख का खर्चा आएगा आज अपना। है जी सोहन आज तो 2,61,000, ओ भाई साहब मोटा फटका लग गया, जरा सा सामान लेने पे 2,60,000 का बिल, सोच रहे हो भाई, कैश भी थोड़ा बहुत ही बचा है बस। अब तो वैसे भी कल हम निकल ही जाएंगे तो फिर क्या ही करना कैश का यहाँ पे। तो प्राइजेस आपने देख लिए होंगे भाई सुपरमार्केट के, क्या है कितने का है सब कुछ। बाकी एक ये साथ में स्टोर है भाई एप्पल का, ये कल आएंगे, अभी तो टाइम नहीं है, अभी जाके एडिट करना है। बाकी इस वाले व्लॉग के लिए भाई इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय।